क्या है आपका? लक्ष्मी शर्मा जी है तो नीतीश यादव तो नीतीश यादव कैसा रहा आज का पेपर? मेरा नाम हरिओम सिंह है। हरिओम सिंह जी कैसा रहा इस बार का पेपर? पेपर अच्छा। खान जी हमारे साथ, तो इस बार क्या परिवर्तन है, कैसा पेपर रहा आपका? अच्छा। इस बार कैसा रहा आपका पेपर? पेपर बढ़िया। हेलो एवरीवन, देखिए हम लोग यहाँ पर कर्नलगंज इंटर कॉलेज है। यहाँ पर आज, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का जो है ये दोबारा जो एग्जाम था वो हो रहा है, और यहाँ पर एग्जाम हो रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी निकल रहे हैं, और आज हम लोग इनसे जानते हैं कि किस तरह का पेपर रहा है और किस तरह का क्या इस बार परिवर्तन रहा जो दोबारा एग्जाम हुआ है। कौन सा ऐसा सेगमेंट रहा है जो कि थोड़ा सा बच्चों को टफ या जटिल लगा हुआ है? पूछते हैं कि पेपर कैसा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी निकल रहे हैं, प्लीज। यहाँ पर एक लोग आए हैं, नाम क्या है आपका? लक्ष्मी शर्मा जी है तो कौन सा ऐसा पेपर था जो आपको टफ लगा या पेपर आपका कैसा हुआ? सब कुछ ठीक ठाक था ही आया था, कुछ भी टफ नहीं था, सब इजी ही था। इस बार मानसिक अभिरुचि के कैसे क्वेश्चन आए थे? बहुत इजी थे, बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं कह सकते। अच्छा, और करंट अफेयर से भी ज्यादा कुछ नहीं आया था। ओके, और जीएस के बारे में या फिर मैथ्स के बारे में कैसे क्वेश्चन? जीएस और मैथ्स सारे एवरेज ही थे, बहुत ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं था। तो बढ़िया पेपर हुआ आपका, थैंक यू। चलिए पूछते हैं एक और अभ्यर्थी हमारे सामने, क्या नाम भाई आपका? अजमत खान जी हैं। तो अजमत खान जी भाई, इस बार कैसा रहा आपका पेपर? पेपर बढ़िया था। पिछले बार जो एग्जाम रद्द हो गया था उसके अपेक्षा इस बार जो है क्या चेंजेस देखने को मिले? इस बार काफी इजी पेपर था। अच्छा, कोई ऐसा सेगमेंट अजमत भाई जो आपको थोड़ा सा जटिल या टफ लगा हो? नहीं, ऐसा कोई। क्या मैं सुन रहा हूँ, क्या करंट के कितने क्वेश्चन थे इस बार? करंट के बहुत ज्यादा नहीं थे। बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, मैथ के बारे में क्या कहना? मैथ सुनने में आ रहा है इस बार थोड़ा सा टफ थी। नहीं, टफ नहीं थी। मतलब आपको आसान लगी। चलिए, बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। आइए जानते हैं एक और अभ्यर्थी हमारे सामने, क्या नाम है भाई आपका? आसिफ खान जी हमारे साथ। तो इस बार क्या परिवर्तन है, कैसा पेपर रहा आपका? सर, इस बार जो पहला पैटर्न था वो पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। अच्छा, पैटर्न इस बार चेंज हुआ है, बहुत बड़ी बात है। कौन सा सेगमेंट था जिसमें थोड़ा सा मॉडरेट या टफिश रहा है? सर, मॉडरेट तो सारे पोर्शन में रहा है, लेकिन थोड़ा मैथ है वो क्या है, कैलकुलेटिव आई है, अगर उसने मैथ में कर लिया अच्छा स्कोर हो रहा है। जी, मतलब कि एक दोबारे फिर से हमारे एक भाई साहब मिले जिन्होंने कहा कि मैथ का टफिश रहा है। यूपीजीके इस बार कैसे? यूपीजीके मॉडरेट है, मैथ भी मॉडरेट है। अच्छा, टाइम टेकिंग रहा है, एज वेल एज मानसिक अभिरुचि में क्या कहना चाहिए? वो तो बिल्कुल आई नहीं है, लेकिन उसका जो हुआ था ना अपने न्यूमेरिकल वाले, अल्फाबेट वाले, ये सब आए, मानसिक अभिरुचि नहीं आई। बधाई हो आपको, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। आइए, पुलिस अभ्यर्थी जो है भर्ती परीक्षा उसमें एक और है भाई साहब। तो भाई, इस बार का पेपर कैसा रहा आपका, क्या नाम है आपका पहले? मेरा नाम हरिओम सिंह है। हरिओम सिंह जी, कैसा रहा इस बार का पेपर? पेपर अच्छा आया था, पेपर के मुताबिक इस बार आसान पेपर आया था जो फर्स्ट शिफ्ट का था। अच्छा, इस बार ज्यादा आपका रीजनिंग में पूछा गया था, क्लॉक और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ। और आपका हिंदी में भी वही पर्यायवाची विलोम यही सब पूछा गया, ज्यादा इजी पेपर आया था। अच्छा, ऐसा कोई पोर्शन जो आपको टफेस्ट लगा हो? वही मैथ में लगा था। फिर से एक बार मैथ फिर से एक बार हमने सुना की मैथ टफेस्ट बन रहा है। यूपी जीके एंड मानसिक अभिरुचि? नहीं, ऐसी कोई बात। अच्छा, मानसिक अभिरुचि की तैयारी कहीं से आप करी, आपने किया है? नहीं। ओके, थैंक यू। आपका क्या नाम है भाई? रोशन। तो रोशन जी, कैसा लगा आपका, आपको पेपर कैसा रहा है? मॉडरेट था। कोई ऐसा सेगमेंट जिसमें बहुत ज्यादा इस तरह से चेंजेस देखने को मिला हो? करंट का एक क्वेश्चन था। ओके, माने कि पिछली बार जो हुआ था उससे थोड़ा सा बदला हुआ पैटर्न है। जो पिछली बार था ना, हाँ जी, उससे थोड़ा टफ था पेपर। टफ पेपर था। अच्छा, कोई ऐसा विषय मैथ या फिर रीजनिंग या मानसिक अभिरुचि कौन ज्यादा टफ लगा? मानसिक अभिरुचि एक नहीं आई। मानसिक अभिरुचि नहीं आया था। अच्छा, मैथ का इस बार थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन। देखते हैं, हमारे साथ एक लोग और आए हैं, जानते हैं इनका पेपर कैसे हुआ। क्या नाम भाई आपका? नीतीश यादव। तो नीतीश यादव, कैसा रहा आज का पेपर? बढ़िया रहा। पिछली बार जो पेपर कैंसिल हुआ था उससे क्या बेहतर था या किस तरह से आपका पेपर हुआ है? पिछली बार से थोड़ा टफ था। अच्छा, टफ पेपर था। ऐसा कौन सा सेगमेंट था जो आपको टफ लगा है? रीजनिंग तो मैथ था। मैथ थोड़ा सा टफेस्ट था। आपका जीके सही था वो? अच्छा, माने कि जीके आपका पूरा सही हुआ है, आपको टफ जो लगा है मैथ लगा हुआ है। ओके, ठीक है भाई, कंग्रेचुलेशन।